इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करती थी, जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट करती थी, जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ डील करती थी जब बॉडी रोटेट कर रही है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है, बिल्कुल उसी तरह से जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो भी रिलेट करता है किसके साथ, करेगा यार, जब वेलोसिटी रिलेट कर रही है तो मोमेंटम क्यों नहीं करेगा, है ना। तो उसी तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी रिलेट करता है किसके साथ, आपके लीनियर मोमेंटम के साथ। किस कैसे रिलेट करता है, ठीक है, होता क्या है एंगुलर मोमेंटम, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, है ना, बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन बट इन केस ऑफ रिलेटेड क्या रोटेशनल मोशन, जब बॉडी रोटेट कर रही है उस टाइम उसके पास कितना मोशन है, दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। अब इसका फार्मूला देखो ना, जैसे आप तो आपको बोलते भाई मोमेंटम क्या है, तो आप क्या बोलते सर, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो फिर फार्मूला बताओ, आप बोलते हो सर पी इज इक्वल टू एम इन टू वी, है ना। इसी तरह से कोई पूछे व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज ऑल्सो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, भाई बॉडी रोटेट करनी चाहिए उस टाइम कितना मोशन है उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला इसका भी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यह आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखो सबसे पहली बात ये क्या है, इट इज अ जैसे बताया क्या है, क्वांटिटी है किसकी, ऑफ रोटेशनल मोशन, लिख दो यार सीधा, है ना भाई, रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी बताता है हमें कौन, एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला एंड इट इज गिवन बाय कैसे मिलता है फॉर्मूला होता है इसका, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तुम बोल सकते हो इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसका, किसका क्रॉस प्रोडक्ट है ये देखो, लीनियर मोमेंटम एंड ये जो आर है ये पता कौन है, ये वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई बॉडी यहाँ से करके मूव कर रही है, ठीक है, तो कुछ तो डिस्टेंस होगा ना उसका उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के से, है ना, तो वो जो डिस्टेंस है ना वो यहाँ पे क्या है, ये आर है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जैसे तुम्हें पता है ये किस तरह से हमने फाइंड किया था, है ना, रिलेशन कैसे फाइंड की थी, लीनियर वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो वो बड़े छोटे से टाइम के लिए जब फाइंड करते हैं तब हमें ये रिलेशन ड्राइव हो जाती है। तो इसी तरह से एल वेक्टर किसके बराबर आपने लिखना है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है, ये इसका फार्मूला आ गया। अब ये क्या है, एक वेक्टर है, प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, है ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना वो है स्केलर प्रोडक्ट, उसका जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी आती है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट आता है। और एक चीज़ और सुन लो, क्रॉस प्रोडक्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस प्लेन में आर होगा, जिस प्लेन में पी होगा, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में कौन होगा, एल वेक्टर होगा, याद रखना, ठीक है, याद रखना चीज़ को। अगर मान लो ये आर वेक्टर है, मान लो ये पी वेक्टर है, तो फिर हमारा एल वेक्टर कहाँ होगा, ये इस वाले, मतलब परपेंडिकुलर टू बोथ आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, आर और पी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कौन, हमारा एल वेक्टर, समझ आई बात। तो ये इसका फार्मूला है, लिख दो उसको, अच्छा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन कैप, लिख सकते हैं यार, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ये तो होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है किसकी, इस वेक्टर की, ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड और ये आगे इसकी डायरेक्शन। अच्छा अब यहाँ पे देखो, जब भी थीटा आता है तो तुम तीन केस डिस्कस कर सकते हो, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री व्हाट इज एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तब भी एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो, अगर थीटा 90 डिग्री हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तब हमारे पास एल वेक्टर किसके बराबर आएगा, आर इंटू पी के बराबर आएगा, मैक्सिमम आएगा, वरना जीरो रहेगा, ठीक है। यानी कि आर और पी के बीच में एंगल कितना है, दैट डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर, ठीक। अच्छा अगर इसको भी हमने अच्छा अगर इसको भी हमने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना हो, है ना, तो कैसे करेंगे बता दो उसको, इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको एल वेक्टर निकालना हो, इसके कंपोनेंट्स निकालना हो, मतलब एक्स एक्सिस में क्या है, वाई पे क्या है, जेड पे, कैसे निकालेंगे, इन 3D कार्टेशियन सिस्टम ठीक, उसमें हम फाइंड करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। तो देखो सपोज कर लो एक बॉडी है रोटेट कर रही है, ठीक है, लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, कर दो, लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, देयर इज अ बॉडी रोटेटिंग
अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है जी। तो ये रोटेट कर रही है जेड एक्सिस में, सही है। अब लेट कर लो, लेट एल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। मान लो एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है बॉडी का, और आर क्या है, आर बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। उसके बाद पी क्या चीज है, मान लो पी है, पी बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है जी, ठीक है। आप सोचोगे कि रोटेशन मोशन में लीनियर मोमेंटम कैसे आ रहा है, देखो मैंने बताया था ना आपको, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है और अगर हम बड़े छोटे से समय के लिए उसको देखें तो हमें लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। तो इसलिए छोटे से समय के लिए देखेंगे तो पी भी आ जाता है उसके अंदर। और जैसे भी हम कोई रिलेशन ड्राइव करते हैं ना, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में, या फिर लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में, या लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में, तो तुमने देखा था हम किस क्या कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, एक छोटे से समय के लिए देखते हैं तब जाके हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर पाते हैं। अच्छा अब बताओ, नाउ अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं देखूं तो एल वेक्टर किसके बराबर होगा, नाउ इन 3D कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम मुझे बताओ एल वेक्टर किसके बराबर होगा, एल वेक्टर होगा 3D कार्टेशियन सिस्टम में एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप। इसी तरह से आपका आर वेक्टर किसके बराबर होगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसी तरह से और क्या, पी वेक्टर, पी वेक्टर किसके बराबर होगा, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, और पी जेड के कैप। मतलब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, आप देखोगे तो एल वेक्टर तीनों एक्सिस में होगा ना कहीं ना कहीं, तो वो ये आ जाएगा, आर वेक्टर ये आ जाएगा और पी वेक्टर ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपको करना क्या, बेसिकली आपको करना क्रॉस प्रोडक्ट है ना। नाउ एल वेक्टर किसके बराबर आया, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, सही है। मतलब क्या इसको लिख दूं मैं, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप शुड बी इक्वल टू व्हाट इज आर वेक्टर, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब इसको करना क्रॉस किसके साथ, पी, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। अब देखो इसको क्रॉस वेक्टर करने का, जैसे तुम्हें पता है दो तरीके हैं, एक तो ये है तुम इसको लो इन तीनों के साथ क्रॉस वेक्टर करो, इसको लो तीनों के साथ करो, इसको लो फिर तीनों के साथ करो, फिर वही पता ना, मान लो ये आई, ये जे और ये के है, आई क्रॉस जे का आंसर के, जे क्रॉस के का आंसर आई, के क्रॉस आई का आंसर जे, अगर क्लॉक वाइज चलते हो, एंटर क्लॉक वाइज चलोगे तो माइनस में आ जाएगा ना, के क्रॉस जे का आंसर माइनस आई। तो फिर उस तरह से करके भी एक लंबी सी कैलकुलेशन बनती है, लेकिन इसका एक बहुत आसान तरीका आपको मैंने बताया था वो ये है कि डिटर्मिनेंट वाले मेथड से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है जी। अब क्या करेंगे बताओ, पहले लिखेंगे इसके कंपोनेंट किसके, आर के, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स के साथ जो इसका कोफिशियंट है ना वो लिख देंगे, वाई के साथ जो है वो लिख देंगे, जेड के साथ वो लिख देंगे। ऐसे मोमेंटम का क्या आएगा, पी एक्स पी वाई और पी जेड। ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में मत लिखना, कई बार ना बच्चे ऐसे लिख देते हैं पी एक्स, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। एक्स इसके फीट में लिखना से, ठीक, ऐसे इसके फीट में लिखना, ऐसे मल्टीप्लाई में मत लिख देना। अच्छा अब बताओ, अब किसके बराबर आएगा, देखो एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप शुड बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा बताओ। जैसे मैंने तुम्हें बताया था यार, देखो आई कैप को करना है ना पहले, तो इसके साथ एसोसिएटेड रो और इसके साथ एसोसिएटेड कॉलम जो है ना, ये रो ये कॉलम क्या करोगे इसको, देखो आई कैप ऐसे इनको छुपा दोगे, बचा कौन, बचा ये वाला हिस्सा, ये चीज़ बची है ना। अब इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, ये वाई पी जेड माइनस पी वाई जेड, सही है। तो ये आ गया आपका एक्स कंपोनेंट, एक्स नहीं आई वाला कंपोनेंट। अब जे की बात करें तो लिखेंगे हम क्या, माइनस माइनस, पहला प्लस होता है दूसरा माइनस, माइनस जे कैप इनटू। अब क्या करना है इसके साथ, ये देखो इसके साथ एसोसिएटेड रो और इससे एसोसिएटेड कॉलम,
इनको छुपा दो, देखो यार इसको और इसको छुपा दो, बचा कौन, बचा ये एक दो तीन चार, है ना, ये और ये छुप गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा बताओ, एक्स पी जेड माइनस पी एक्स जेड, सही है। अब क्या बचा, यहाँ लिख दो क्या, के कैप, है ना, प्लस के कैप, तो क्या आएगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस। देखो इस तरीके से ना इजी हो जाता है कैलकुलेट करना, वरना अगर ऐसे एक एक करो उठा के करोगे ना, ये पहले इसको करोगे इसके साथ लाइट, फिर इसके साथ करेंगे, तो वो बड़ा लंबा सी है कैलकुलेशन बन जाती है और गलती होने के चांसेस बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हम इसको भी देखना पड़ता है, आई क्रॉस क्या है, जे क्रॉस क्या है, तो इस ऐसे करोगे तो बड़ा आसान हो जाता है ना, कॉमन वॉमन सब कुछ निकल चुका है, सब कुछ हो गया है। तो के कैप किसके बराबर आएगा बताना ज़रा, ये इसके इस रो, ये रो और ये कॉलम, इन दोनों को छुपाएंगे, क्या बचा, ये बचा एक्स इंटू पी वाई माइनस पी एक्स इंटू वाई, खत्म कहानी। अब देखो आई कैप, आई कैप, तो एल एक्स का आंसर किसके बराबर आएगा, व्हाट इज एल एक्स, ये आया वाई पी जेड माइनस पी वाई जेड, ये आया एंगुलर मोमेंटम का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। ऐसे एंगुलर मोमेंटम का वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, एल वाई शुड बी इक्वल टू एक्स पी जेड माइनस पी एक्स जेड, सही है। इसी तरह से जेड कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस पी एक्स वाई, सही है, ये निकल गया। 3D कंपोनेंट में 3D कंपोनेंट निकल गया किसके, एंगुलर मोमेंटम के, ठीक लिख दिया। अच्छा अब ना जैसे देखो आपने पढ़ा था कि यार मोमेंटम कंजर्व करता है, अब चाहे वो लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करता है, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था उसको, है ना, जब हमने 1D मोशन को स्टडी कर रहे थे, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। इसी तरह से ना एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करता है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करता है, तो एक कंजर्वेशन देखा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कंजर्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आने के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये होता ही होता है, तो उसको भी कर लें, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, कर दूँ मिटा दूँ उसको। तो देखो हेडिंग लिखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो सपोज कर लो एक बॉडी है और रोटेट कर रही है अलोंग जेड एक्सिस, तो जाहिर सी बात है उसमें टॉर्क आया होगा, सब कुछ आया होगा, वो पूरी कहानी आपको पता है। तो कर लो लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया भाई साहब आपने, देर इज अ बॉडी, देर इज अ बॉडी, है ना, क्या कर रही है ये, रोटेट करेगी तभी तो एंगुलर मोमेंटम आएगा, रोटेट अलोंग जेड एक्सिस, चलो ये रोटेट कर रही है, ठीक है जी, लेट कर लो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी यार, एक तो ये देखो लेट एल बी द एंगुलर मोमेंटम, भाई अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उस मोमेंटम तो होगा यार, है ना, लेट एल बी द एंगुलर मोमेंटम, सही है। अच्छा टार्क भी आई होगी इसके अंदर, बिना टार्क कैसे कर रही, लेट टाओ बी द टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है, एक्टिंग ऑन बॉडी, टार्क एक्टिंग, टार्क आ गया इसके अंदर, और क्या आएगा, फिलहाल तो इसे इन दोनों का काम हमारा चल जाना है, एल इसका एंगुलर मोमेंट आ गया, टी इसका टार्क आ गया। अच्छा इसको करने से पहले आपको मैं बताओ मोमेंटम आप कहाँ पढ़ते हो, लीनियर मोशन में मोमेंटम सबसे पहले कहाँ देखा था, याद है न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी, ठीक। अब क्या यही रिलेशन क्या यहाँ पे होल्ड नहीं हो सकती यार, जो काम यहाँ पे एफ करता है वही काम वहाँ पे टार्क करता है, तो क्या मैं यहाँ से नहीं ले सकता, नाओ देखो क्या ऐसे नहीं ले सकता मैं यार, एफ की जगह मैंने टाओ लिख दिया, ठीक है यार एफ की जगह टाओ लिख दिया, जो काम यहाँ पे फोर्स करती है मतलब धक्का देती है बॉडी को चलाती है, तो यहाँ पे टार्क है ना उसकी वजह से तो बॉडी रोटेट कर रही है, तो रिजेंबलेंस हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे टाओ आ गया। उसको अगर मैं इक्वल टू लिख दूँ यहाँ पे डी पी बाई डी टी, पी क्या चीज़ है भाई, लीनियर मोमेंटम, तो वहाँ पे एल क्या चीज़ है भाई, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अब अगर ये मैं कहता हूँ कि यार कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, भाई मोमेंटम कैसे कंजर्व करता हूँ, ये कहते हैं ना भाई साहब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है बॉडी पे उस सिस्टम पे, तो जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम रहेगा, चेंज नहीं होगा, अपने आप कुछ ही चेंज नहीं होगा, बिल्कुल क्या यहाँ नहीं हो सकता। अगर मैं ये बोलूँ भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, खुद सोचो यार अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो टार्क लगेगी क्या, अगर टार्क नहीं लगी, और अब देखते हैं अगर टार्क नहीं लगी तो क्या मोमेंटम बदलेगा, चेक करते हैं। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स,
इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रही है, देन देयर विल बी नो टॉर्क, देन देयर विल बी नो टॉर्क, देयर विल बी नो टॉर्क। भाई फोर्स, टॉर्क लगने के लिए भी तो फोर्स चाहिए, एक नहीं बल्कि दो दो चाहिए, विल बी नो टॉर्क, है ना, समझ आ रही बात। अब टॉर्क की वैल्यू जीरो, दैट इज टाउ इज इक्वल टू जीरो, अगर टाउ की वैल्यू जीरो है तो क्या बनाए, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो नहीं आ गया क्या? अब मुझे बताओ डी एल बाई डी टी जीरो का मतलब क्या है, किसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो होती है मैथमेटिक्स में, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो होती है, इसका मतलब अगर ये है, इसका मतलब एल की वैल्यू क्या आई, एल की वैल्यू आई कॉन्स्टेंट, इसका मतलब अगर आपके पास एक बॉडी रोटेट कर रही है और उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम, अगर हम ये मान ले भाई साहब कोई उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, यानी कि सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, तो उसका जो मोमेंटम है, जो एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या रहने वाला है, वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, उसको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेरिवेशन है, क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो देन डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, एंड डिफरेंशिएशन उसी चीज की जीरो होती है जो चीज कांस्टेंट होती है, तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि भाई साहब एंगुलर मोमेंटम जो है बॉडी का वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि जो, देखो सुनो, जो ये सब कुछ होने से पहले, बॉडी रोटेट करने से पहले जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा यानी कि कांस्टेंट है, उसके बाद भी जो उसका होगा ना रहेगा वो कांस्टेंट ही, याद रखना, बॉडी कुछ भी करेगी बट अपना मोमेंटम को वो क्या करेगी, कंजर्व करके रखेगी। कल हमने इसको स्टडी किया था बट इसकी एग्जांपल नहीं की थी, तो देखो एग्जांपल्स क्या है इसकी, देखो फार्मूला क्या है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का, एल इज इक्वल टू, याद है, आर इंटू पी, है ना। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टोरिकली बोलना होगा तो ऐसे बोलना पड़ेगा एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, है ना। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसका बराबर है, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी, व्हाट इज पी, इट इज अ, इट इज, व्हाट इज पी, इट इज अ लीनियर मोमेंटम, तो देन एल इज इक्वल टू आर एम इन टू वी, या इसको सिंपल करना होता है बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू एम वी आर। तो जो एंगुलर मोमेंटम है बेसिकली वो किसके बराबर, मास वेलोसिटी और रेडियस के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। रेडियस को कौन, वो रेडियस सर्कुलर ट्रैक का, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम आता ही कब है, जब बॉडी क्या होती है, एक रोटेशनल मोशन में होती है, ठीक है। अब देखो इसकी ढेर सारी एग्जांपल्स हैं, एंगुलर मोमेंटम बॉडी ने कंजर्व करवाना ही करवाना है। जैसे देखो इन केस ऑफ, हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बॉडी में खुद में चेंज आ गई थी बट लीनियर मोमेंटम कंजर्व हुआ था। फॉर एग्जांपल मुझे बुलेट फायर हुई थी, बुलेट को तो तुमने आगे की तरफ भेजा लेकिन गन जो है वो रिकॉइल हुई थी, क्यों, क्योंकि उस पूरे सिस्टम ने क्या करना था, उस पूरे सिस्टम ने अपने लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना था, है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी, बोट होती है, आप बोट से जब उतरते हो, छलांग लगाते हो आगे की तरफ, तो बोट पीछे की तरफ जाती है ना, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना था, जीरो, जब आपने डाइव नहीं लगाई, तो जब आपने डाइव किया आगे की तरफ तो क्या हुआ, आपका मोमेंटम आगे की तरफ बढ़ा, तो इसलिए बोट का मोमेंटम पीछे की तरफ आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, सो दैट कि क्या हो, दोनों का मोमेंटम फिर क्या हो, जीरो हो। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंसिडेंट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर द इंसिडेंट, जो घटना घटी उससे पहले जो मोमेंटम था उस पूरे सिस्टम का वो सेम रहता है पहले और बाद में। ये तो हमने लीनियर मोमेंटम की एग्जांपल्स देखी थी। इसी तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी कंजर्व रहता है। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहना है तो हो सकता है बॉडी में खुद में कोई चेंज आए बट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा ही होगा, ये होल्ड होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एक एग्जांपल करते हैं इसकी, देखो जैसे एक एग्जांपल करते हैं, अर्थ, देखो ये सन सपोज कर लो, ठीक है, अर्थ इसके आसपास जब रोटेट करती है ना तो उसका पाथ बिल्कुल सर्कुलर नहीं है। आमतौर पे हम सर्कुलर सोचते हैं और बड़ी बार बुक्स में दिखाया भी होता है, जो छोटी क्लासेस की बुक्स है, बट अभी आपको आगे से पता चलेगा कि जो ये जो सन है इसके आसपास जब अर्थ रोटेट करती है तो इसका पाथ कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है। कैसा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है ना। जो जो जिन्हों जो मैथ पढ़ रहे हैं उनको पता है इलिप्टिकल पाथ क्या होता है, कुछ इस तरह का पाथ होता है। यानी कि इसके पास दो फोकस होते हैं, दो सेंटर होते हैं, ठीक है, एक इधर एक इधर, ठीक। अब सन उसके किसी एक सेंटर में होता है, ये जो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना इसको बोलते हैं अपोजी, इसको बोलते हैं पैरेजी। ये अपोजी हो गया, पैरेजी हो गया, यानी यहाँ से जो पास वाला डिस्टेंस है उसको अपोजी, जो दूर है उसको बोलते हैं पैरेजी। अब देखो होता क्या है, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना है, एम वी आर, एल इज इक्वल टू एम वी आर। अब अर्थ मान लो ये अर्थ है, ये इसके आसपास क्या कर रही है, रोटेट कर रही है इस तरह से, ठीक है, ये अर्थ है। अब ये जो अर्थ है जब इसके आसपास रोटेट करती है इन द एलिप्टिकल पाथ, तो आप देख रहे हो जब अर्थ यहाँ होगी तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू देखो, जब अर्थ यहाँ होगी तो आर की वैल्यू क्या होगी, ये इस केस में ये आर है तो आर की वैल्यू बढ़ गई। अगर आर की वैल्यू बढ़ गई है तो यार एंगुलर मोमेंटम बढ़ नहीं जाएगा अर्थ का,
है ना, एंगुलर मोमेंटम बन ही जाएगा। तो फिर कंजर्व कर रहा कहाँ रहा, एक बार रोटेट किया इसने अर्थ ने सन के आसपास, यानी कि एक साल में यहां से यहां अर्थ वापस जब जहां पहुंची, तो क्या इस पूरे घटनाक्रम में क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहा? आप देखो रेडियस तो सेम नहीं है, रेडियस तो बदल रहा है। अगर एम कांस्टेंट, ठीक है अर्थ का मास थोड़ी कम ज्यादा हो रही है तो ठीक है, अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहे, लेकिन आर तो बदल रहा है। अगर आर बदल रहा है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कहां कंजर्व हो रहा है, ये तो कंजर्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बात सच है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना है, तो फिर कहीं ना कहीं या तो इस फैक्टर में चेंज आनी चाहिए या फिर इस फैक्टर में चेंज आनी चाहिए। अब मास तो अर्थ का कम ज्यादा हो नहीं रहा, तो फिर क्या कम ज्यादा हो सकता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी बदलती है अर्थ की, बताओ जब अर्थ दूर होती है सन से, आर ज्यादा होता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, यहां से वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। आगे जाके जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कैपलर्स लॉ, और जब कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे तब आपको वहां से पता चलेगा वेलोसिटी कम होती है, क्यों होती है और क्या चीज फिर कांस्टेंट, एक और चीज रहती है कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी कम हो जाए तो अगर ये वैल्यू कम हो जाए और ये बढ़ भी गई, ये तो बढ़ेगी, ये तो इलेक्ट्रिकल बात है, तो वेलोसिटी वैल्यू कम हो गई, फिर आर एंड अपने एंगुलर मोमेंटम सेम। अब यहां पे जब आर कम हो गया, यहां पे जब सेमी माइनर एक्सिस पे आ गया, आर जब कम हो गया, आर कम हो गया तो वेलोसिटी यहां पर क्या होती है? यहां पर वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो टोटल फिर से क्या हुआ? एल कांस्टेंट। यानी कि अर्थ अपनी वेलोसिटी को कम ज्यादा कर रही है, सोचो एक रोटेशन में अपनी वेलोसिटी कम ज्यादा कर रही है, क्या करने के लिए? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बॉडी अपने आप में स्पीड को कम ज्यादा कर रही है, सोचो, सो दैट एंगुलर मोमेंटम क्या रहे? कंजर्व रहे। एंगुलर मोमेंटम क्या रहे? कंजर्व रहे। अब इस एग्जांपल से अगर आपको अच्छे से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये तो हमारे बड़ी हाई लेवल की बॉडीज हैं, इसके तुम कहां तुम सोच पाओगे कि अर्थ रोटेट कर रही है। इमेजिन करो, थोड़ा सा पास आई तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, जो दूर है तो उसकी वेलोसिटी कम है। इसको बिल्कुल और भी सिंपल वे में अगर आपको समझना है तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका है, किसी के घर में घूमने वाली चेयर है जो रोटेट करती है, हैं है? तो तूने एक एक्सपेरिमेंट करके आना है, ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है छोटी सी, उसमें क्या करना है देखो, उसको तूने घुमाना है, बच्चों ने भी तूने बड़ा घुमाया होगा, है ना, तो तूने क्या करना है, या किसी को बोलना है कि भाई घुमा, तूने बैठना है बस उसको घुमाना है। अब जब उसको घुमाना है ना, एक बार तुमने अपने हाथ ऐसे करने हैं, ठीक है, जब घूम रही होगी अपने हाथ ऐसे करना, अपने आप वेलोसिटी कम हो जाएगी, और फिर वापस हाथ ऐसे कर देना तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब चेयर तुम घुमा रहे हो, एक बार जब तुमने रोटेट कर दिया, चला ऐसा करके बैठ कर रोटेट कर दिया, अब तुम उसकी वेलोसिटी कम और ज्यादा तुम क्या कर सकते हो? कैसे करके? सिर्फ हाथ को फैला के और हाथ को बंद करके तुम उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो। क्यों? जब तुमने इसको ऐसे कर दिया, तुमने आर बढ़ा दिया, आर बढ़ा दिया तो उसका उसकी क्या बढ़ जाए? देखो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना है, तुमने अगर आर बढ़ा दिया तो वी कम हो जानी चाहिए ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। और जब तुमने हाथ को बंद कर दिया तो तुमने आर कम कर दिया, है ना, आर कम कर दिया, जब आर कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। तो तुम जैसे हाथ पास रखोगे तो उस अपने आप चेयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, हाथ ऐसे करोगे तो कम हो जाएगी, ऐसे करोगे तो बढ़ जाएगी, ऐसे करोगे तो कम हो जाएगी। तो बड़ा मजेदार एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो अर्थ और सन के केस में अगर तुम इमेजिन नहीं भी कर पा रहे हो तो घर में ये बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके आप ये समझ सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम किस तरह से कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हो सके तो मैं भी शायद इसको कहीं स्कूल में करके वीडियो में इसको एडिट करके डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तुम भी करना है, जिसके घर में वो घूमने वाली चेयर है तो तुम बड़े आराम से एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन वहां पे देख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए तुम्हारी खुद की बॉडी ने क्या कर दिया? वेलोसिटी कम ज्यादा कर दिया चेयर की, है ना, उस पूरे सिस्टम ने, चेयर और तुम्हारी बॉडी ने क्या किया? अब उस रोटेशनल की जो वेलोसिटी है ना, उसको कम ज्यादा कर दिया, क्या करने के लिए? लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो इस तरह से ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। आप देखोगे वो जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं ना, उनमें वो स्केटिंग करते हैं ऐसे करके, है ना, तो डांस करते हैं, तो ऐसे ऐसे करके घूमते हैं, वो देखा तुम लोगों ने, वो देखना वो भी क्या करते हैं, अपनी वेलोसिटी कम ज़्यादा करते हैं एकदम से, और वो तो काफ़ी हाई लेवल पे बड़ा ज़्यादा वैसे करते हैं ना, रोटेशन होती है तो बड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को भी मिलता है। वो क्या करते हैं, अपनी आर्म्स को जब ऐसे करते हैं, वो कोई ज़्यादातर गर्ल्स होती हैं जो इस तरह से करती है ना रोटेट, तो देखना जब अपना वो इस तरह से करती है ना, हाथ ऊपर ले जाती है और रेडियस कम कर देती है ना पूरा ऐसे बॉडी का, तो देखना वो क्या करेगी, बड़ी तेजी से रोटेट करेंगी, फिर वो अपने हाथ को फैला देती है और फिर बड़े आराम से घूमती है ऐसे करके, है ना, तब उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। जब ऐसे करती है तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, है ना। तो वहां पे भी किस चीज का रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है वहां पे? यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, उसी चीज का यूज हो रहा है। कंजर्वेशन मोमेंटम करने के लिए बॉडी करती है, इसीलिए तो कभी वेलोसिटी कम हो रही है, कभी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, बिना कुछ किए, समझ रही बात। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम की, ठीक है।